नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ICICI के डीमैट अकाउंट में आप बैलेंस जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं और आप जो है वो फर्स्ट ट्रेड जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो दो टॉपिक के ऊपर होने वाला है। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों टॉपिक के जो लिंक है उसके वो मिल जाएंगे। आप जिस भी टॉपिक को देखना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आप सीधे ही उस टॉपिक के ऊपर पहुंच जाएंगे, जिससे आपको पूरा वीडियो वॉच नहीं करना पड़ेगा और आपका जो टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस किस तरह से ऐड किया जाता है डीमैट अकाउंट में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो किस तरह से फर्स्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपको यहाँ पर ICICI डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो इसे ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ICICI डायरेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले नंबर पर 3 लाइंस का ऑप्शन दिखाई देगा, 3 लाइंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेड एंड इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यदि आपका ID जो है वो यहाँ पर लॉगिन होगा तो आपको यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपका ID जो है वो लॉगिन नहीं है तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एलोकेट फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको एलोकेट फंड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर एलोकेट फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका अपना बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद ऐड फंड्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर 20 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एंटर अमाउंट में अपना अमाउंट जो है वो डाल देना है। जो भी अमाउंट है आप ऐड करना चाहते हैं उसे यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे की साइड में आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में जाना है। यहाँ पर आप UPI ID से ऐड करना चाहते हैं तो आप UPI ID ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास गूगल पे है तो हम गूगल पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में जाएंगे, नीचे की साइड में आपको प्रोसीड का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इस तरह से आपका जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर परमिशंस जो है वो दे देनी है। परमिशन देने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अब UPI पिन डालना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना UPI पिन डाल देना है, तो चलिए मैं अपना UPI पिन यहाँ पर डाल लेता हूँ। दोस्तों हमने अपना UPI पिन डाल दिया है, अब आपको यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर पे हो गया है, यानी कि ऐड हो गया है। अब दोस्तों बैलेंस को चेक करने के लिए आपको फिर से 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद एलोकेट फंड्स के ऊपर क्लिक करना है, ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस था पहले 20 रुपीज़ था, अब जो है वो 30 हो गया है। अब दोस्तों आपको जो है वो ट्रेड किस तरह से करना है चलिए अब मैं आपको बताता हूं। 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको ट्रेड एंड इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इक्विटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कैश बाय पहले नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले नंबर पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, NSE और BSE। तो आपको यहाँ पर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हम यहाँ पर BSE सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो जो भी स्टॉक आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यस बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना है, तो आप जो भी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट वाले ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करेंगे नीचे के साइड में आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने स्टॉक की सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। नीचे के साइड में अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अपना जो बैलेंस है वो यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी बैलेंस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर
बुक ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ से बुक हो जाएगा। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने ऑर्डर की सभी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी और आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ से बुक हो गया है। अब फ्रेंड्स, आपने जो ऑर्डर बुक किया है उसे चेक करने के लिए यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, ट्रेड एंड इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी ऑर्डर किए होंगे वे सभी ऑर्डर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हम वो आप अपने ICICI डायरेक्ट एप्लीकेशन में जो हम वो ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।